Hi guys, welcome back to the Glimpse It Winkle and wish you a very very happy Dushehra from Glimpse It Winkle. आज का ये जो ब्लॉग है दशहरा स्पेशल ब्लॉग है. इस दशहरा स्पेशल ब्लॉग में हम सारे रावण कवर अप करेंगे मोतीनगर, करमपुरा एंड रमेश नगर के. किस टाइप की क्रिएटिविटी इस बार बच्चों ने दिखाई है या बड़ों ने दिखाई है और कितने सारे रावण लगे हैं. वैसे आप सबको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं कि करमपुरा और मोतीनगर के रावण वर्ल्ड फेमस है. ऐसी क्रिएटिविटी कहीं नहीं होती. यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी इतनी बढ़िया क्रिएटिविटी के रावण दिखाते हैं. बट ड्यू टू कोरोना आई थिंक इस बार कम है, आज पिछली बार बिल्कुल नहीं था. सो लेट्स जस्ट चेक आउट कि इस बार कितने रावण हैं, कैसे रावण हैं. सो लेट्स गो. तो हम ये मोतीनगर वाली रोड पे आ चुके हैं. ये देखिए पूरी सड़क जो है एकदम खाली दिख रही है. और ये पहला रावण करमपुरे का. इसे साइड में एक और रावण पड़ा हुआ है, तो दो रावण हो गए इस गली में. ये तीसरा रावण. और ये आगे जाके कोने में हमारे को एक और दिख रहा है. ये हो गया हमारा चौथा रावण. इसको थोड़ा सा और पास से जाके देखेंगे हम. ये रहा, ये इसका मुंह है. इधर कोने में इसका मुकुट पड़ा हुआ है. तो मतलब ये इसकी पूरी बॉडी ये अभी रेडी हो रहा है. ये पांचवा रावण. और ये करमपुरे की गलियों में है हम. पहले तो हर गली में पांच पांच छः छः रावण होते थे, बहुत बड़े बड़े और बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी के होते थे. हेलीकॉप्टर वाला, पबजी वाला, मुगैम्बो वगैरह. पर कोरोना की वजह से बहुत ही कम है. ये गली में एक और दिखा है हमें रावण. तो मतलब इतनी दूर दूर जाके हमारे को एक एक रावण दिख रहा है. ये एक और, आई थिंक ये सातवां आठवां नंबर हो गया. ये दस नौ मान लेते हैं इसको. ये दसवां रावण ये बच्चों ने बनाया है, अभी रेडी हो रहा है. काफ़ी अच्छा बनाया उन्होंने भी. ये रमेश नगर का रावण 11. और इसी के पीछे एक और रावण है छोटा सा, और उसके पीछे एक और रावण छोटा सा. तो कुंभकर्ण मेघनाथ हो गए. ये एक और रावण ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को. एक और ब्लैक कलर का. ये पिंक कलर का रावण बना ली. और ये ऑरेंज पार्क के अंदर बना हुआ है रावण. ये देखिए ये एक और. तो इस बार भी काफ़ी अच्छा है. लेकिन टोटल हमें 16-17 रावण दिखे हैं. ये भी एक और है पूरे तीनों एरिया में. और ये पिछली बार का देखो, सिर्फ करमपुरा और मोतीनगर के एरिया में कितने सारे और कितने बढ़िया क्रिएटिविटी के रावण होते थे. मुंह घूमता है इस रावण का. एंड ये रात को इस तरह से सेलिब्रेशन होती थी डीजे वगैरह में. हेलीकॉप्टर वाला था. ये छोटे छोटे भी रावण बच्चे मनाते थे. ये देखो कितना क्यूट है छोटे छोटे रावण. तो 48-49 मतलब 100 टच कर जाते थे रावण पूरे मिला के. और इतनी बढ़िया रावण होते थे. दशहरा सेलिब्रेशन पूरा फेमस था करमपुरा का, आप देख तो जाओ. तो धोती वाला रावण था ये, बहुत बड़ा था. सिर्फ इसकी धोती थी, ये छाती थी इसकी. यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब 3-4 बिल्डिंग टच कर गया था ये रावण. सो काफ़ी मिस कर रहे हैं हम करमपुरा और मोतीनगर के इस दशहरे को. आई होप नेक्स्ट ईयर तक सब ठीक हो जाए और इसी तरह के रावण फिर से देखने को मिले, ऐसे ही रावण सेलिब्रेशन फिर से हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा. देखो कार वाला रावण, कार के अंदर बैठा हुआ था रावण को. हर गली में पांच पांच छः छः रावण थे. ये पूरा फंक्शन होता था यहाँ पर चेयर्स वगैरह लगा के. और इस बार देखो गली पर चलते जा रहे हमारे एक गली में रावण नहीं दिख रहा. पूरी आसपास सब खाली है. घूम फिर के 5-6 गलियों के बाद हमारे को एक रावण देखने को मिल रहा है, वो भी छोटा ढंग का नहीं मिल रहा. वो पहले तब बढ़िया होता था. बाहर रोड तक देखा है लेकिन हमें कुछ नहीं देखा. सो गाइस वी आर बैक होम एंड आई होप आप लोगों को ये दशहरा स्पेशल ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में सेक्शन में हमें ज़रूर बताना.
एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. थैंक यू. हैप्पी दशहरा.